वाराणसी जिले में जिस तरह से रुक रुक के लगातार कहीं सुबह तो कहीं शाम बारिश तो हो रही है, लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है क्या वो किसान के फायदेमंद है या नहीं है? इस समय हम वाराणसी जिले के ये अल्लोपुर ग्राम सभा है, जहाँ पे आप अभी देखे होंगे हमारे कैमरे के जरिए कि यहाँ पे जो किसान भाई हैं वो किस तरह से अपने फसलों को दवा से बचा रहे हैं। लेकिन हम इनसे ही जानेंगे कि जिस तरह से ये बारिश दौर उबलन हो रही है, इस बीच इस बारिश से कौन कौन से ऐसे फसल है जिसे हम बचा सकते हैं और कौन से ऐसे फसल है जिसे नुकसान भी हो सकता है, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा जानने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो खेत में ही ये पालक है और पालक के यहाँ से आप देखेंगे हमारे एक कैमरे के जरिए, तो जहाँ तक ये हमारे कैमरे की नज़र जा रही है ये सब पालक है, और उसके बाद वो आगे मूली है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पालक की खेती होती है, लेकिन जिस तरह से बारिश उम्बलन चल रही है इसमें किसानों को जो हैं भाई जो किसानी खेती करने वाले हैं उन्हें क्या लग रहा है कि इस बारिश से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है? भैया हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम लालजी पटेल। अच्छा भैया कितनी खेती करते हैं आप? बस एक पालक का खेती करते हैं, हमको तो देर 25 साल से हो गया। 25 साल? अच्छा तो सारी पालक ही की खेती करते हैं? हमारे यहाँ हमेशा पालक खेती होता है। अच्छा कितने कितने बीघे हैं या बिस्से हैं, कितनी खेती? बिस्से क्या, ये तो 2 बिस्सा है, 2-4 बिस्सा है और 10 बिस्सा वहाँ पर लगाए हैं। अच्छा अंते अंते है, एक जगह नहीं है। तो इस समय जो बारिश हो रही है कितना फायदेमंद है, कौन से ऐसे जो बीज है या पौधे हैं जिससे फायदे हो रहे हैं? ये तो बीज है हिंदुस्तान का पालक है, इसका नाम है पालक का बीज का नाम हिंदुस्तान। अच्छा बीज का नाम, और इसीलिए होता है। अब ये बारिश ज्यादा हो जाएगी तो गल जाएगी, अगर कम बारिश होगा तो चलेगा, ज्यादा बारिश होएगा तो गल जाएगा। ये हिंदुस्तान जो पालक है इसमें और यहाँ के पालक से क्या अंतर है, थोड़ा बताएंगे भैया? अंतर तो कुछ नहीं है, सब यही है जो पैदा हो रहे थे। यही अंतर है कि बारिश में ज्यादा गलता नहीं, फटता नहीं इसका पत्ता। एक बार लगाने में कितने महीनों तक फल देता रहता है? ये लग गया है ना तो अभी जनवरी भर चलेगा, आप जनवरी तक चलेगा। कई महीने तक एक बार रोपाई हो जाती है? एक बार रोपाई होगा जनवरी भर चलेगा। और जो दूसरे अपने बाजार में मार्केट में बिकते हैं वो किस तरह से चलते हैं उसमें? तो मार्केट में इस समय तो 120-130 रुपया पसेरी चलता चल रहा है। इसका क्या दाम होगा, क्या रेट होगा? रेट 125-130 रुपया पसेरी। तो ये बीज आपने कहाँ से लाई भैया? जो दुकान से लाए हैं। अच्छा दुकान से लाए हैं। तो जो बारिश हो रही है रुक रुक के, कभी हो रही है कभी उबलन हो रही है, जैसे शाम को ये पूरा दिन उबल रहा है, तो कौन से फसल को सबसे ज्यादा नुकसान है फायदेमंद? सबसे ज्यादा तो पालक को नुकसान है, उसको ज्यादा पानी लग जाएगा तो पेड़ का पौधा गल के गिर जाएगा, इससे पूरा गल जाता है, पूरा पेड़ जैसे वो गल गया उसमें। इसे रोकने के लिए किसमें दवाई की छिड़काव चल रही है? यही छिड़काव कर रहे हैं कि पालक मतलब गए हैं दुकान से दवाई मांगे हैं कि हमारा गल रहा है या कीड़ा लग रहा है, तो दिए हैं पालक। कब कब छिड़काव होती है भैया? एक हफ्ता पर। अच्छा तो जो साल में 2 बार होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बारिश में होती है या सूखा में भी? बारिश में होता है सबसे ज्यादा, बारिश में नुकसान होता। क्या मेहनत की मजूरी निकल पाती है बारिश में या फिर नहीं? जो देखो अगर रुक गया तो निकल जाएगा, नहीं रुके गल गया तो भगवान क्या करे। आगे की खेती पूरी गल गई है? हाँ वो भी खेती है। एक ही बार हुआ है बारिश होने के कारण सब पालक कई बार बारिश में गल गया है। तो चलिए हम और भी खेती चलेंगे, भाई साहब छिड़क तो रहे हैं लेकिन हम वो भी पौधे दिखाएंगे आपको कि जो इस बारिश से काफी नुकसान हुआ है, काफी क्योंकि जो बारिश हो रही है वो धान बजड़े जुंडरी के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन जो ऐसी सब्जियां हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक है। हम आगे भी चलेंगे दिखाएंगे आपको।
ये जो पालक आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और दूसरे जो पालक की रोपाई हुई है उसे किसान भाई किस तरह से बचाव कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो हमारी मेहनत की मजदूरी है वो बच सके। अभी यहाँ पे घास की निरैया चल रही है, देख रहे हैं घास की निरैया अभी चल रही है। दीदी इसमें जो पालक की खेती कर रही हैं आप, तो क्या फायदे है, क्या कितना नुकसान है बारिश से? का करल जाए, अभी जो न करने तो का खाए जाए। ये जो बारिश हो रही है क्या इसके फायदेमंद है या नुकसान है? फायदो बा नुकसानो बा, कम बरसिया तो फायदा बा, ढेर बरसिया तो बेकार बा। पालक की खेती कितने सालों से आप लोग करते हैं? और किसी चीज की खेती क्यों नहीं करते हैं, या फिर इसमें काफी जो है कि फायदेमंद है? जैसे धनिया है, कोहरा है, ककड़ी है, खीरा है, सब न लगावल जाला। अच्छा, सारी खेती होती है। हाँ, भिंडी है, मौसम के अनुसार समय में रहला वो खेती करो। अच्छा, तो इस समय जो बारिश हो रही थी ये फायदे होगी कि नुकसान होगी? ये वो नुकसान करत है, न खाद दवाई पा पाता, निकल निर्वाही हो पावा था, वही में गल जाता था कुल। तो इसकी दवा कहाँ से, औषधि केंद्र से लाते हैं आप लोग? बाजार में वाला दुकान। अच्छा, सरकारी औषधि केंद्र वहाँ से मिलता है ना इसकी दवा? सरकारी नहीं, प्राइवेट वाला। अच्छा, सारी प्राइवेट से। एक टंकी के ले लो तो दूसरा का मिलल हुई, 400-500 का खाद एक दही छिटाई तो लग जाए। अच्छा, जब खेती जब किसानी नहीं होती है तो उस समय जब नुकसान हो जाता है तो कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत मुरेर के बैठ जाने वाला है खेती में, लगा जब लगा देबो बारिश भर बुड़ गयल तब बेकार नबा, कुल मेहनत बजे बढ़िया बरत दे उमज के तो सब खत्म हो जाए। बल्टी लेके हिम्मत के तो छोपबू, नहीं तो बेकार हो, बल्टी ले छोपल जाला, कढ़िया फिरा ले गोड़ फिरा ले छोपा छोपा आदमी का हाथ गोड़ सड़ जाई। तो इसे क्या छुट्टे पशुओं से भी बचाना पड़ता है? किधर गौशाले में है सार दौरो चर जाला, इतना परेशान करते चटे पाने 9 बजे देखो राती ले अगोरलन हमने का दिन डंडा लेके चढ़ जाइए यहाँ देखो ब्राइज से बाल के तैयार करो यहाँ चढ़ के खाली हो जाए। इधर गौशाला नहीं है कि छुट्टे पशु कहीं रख जाए? कभी आप लोगों ने मांग नहीं किया, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में जो यूपी गौशाला बनना था तो हर ग्राम पंचायत में बनना चाहिए। हमने मांग करो के प्रधानी बा वोट देवल बा इतना कि हमने के रास्ता नहीं बा, कितने पानी में सब पैखाना में जाला खेती किया बतावा की नहीं तर पानी इतना तरह चढ़ जाता ना सुना था प्रधान देखा डमरू बिछल था ईटा बिछले पर हमने का एक 5 फुट का रास्ता 4 फुट का तो बकरिया कितना के बिछा पावा था। ऐसा आदमी भल बाने गाँव का प्रधान ले तो चल रही है 200-400 लगे हम बाटर कितने में हो जाए और खरीद ली है तो चले आवा अब रोट लेवा हम बताई हम क्या नहीं देंगे नहीं एकदम न दे वोट चाहे जे बोल जे अपने जे न मन ते आ जा हमारे द्वारे बता के साल भरे से प्रधान भल बान 2 साल से वो 2 साल हो गए कि एक ही रास्ता हमने के नहीं बनल बा है तनी देश में रास्ता पड़ा बन गल बा एक खाली हमारा गांव के रास्ता बदल के ये 5-6 घर के है परेशानी बस और सबके बढ़िया है 5-6 लोगों के हाँ 6-7 लोग के बस ये 6 भाई ये लोगन बायन एक आध 2 लोग और बस इतनी कड़ाई नहीं बाकी चाप के बनवाई सब तर के देखा तो बन जात बा कहाँ से कहाँ खेत खन खन के यहाँ तक खेतो नहीं खनने के बाद तो नहीं बना पात बन कुल रोइन हो जाला जी। इस संसार में जब सुविधा नहीं बात अपनी वोट दे ले कौन फायदा सही बात है के वोट दे इधर तो मतलब मैंने वोट दे थे वो कौनो मिला था ना बनाऊ रास्ता। इधर कई लोग ऐसे किसान हैं जो कि मतलब सब खेती करने वाले हैं, लगभग कितने होंगे भैया इधर किसान भाई जो कि गौशाले नहीं है और छुट्टे पशु से परेशान है सब लोग? पशु परेशान से बाद देखा बात तो हर जगह तो परेशान बाद घर का खेत भी ना है सब बढ़िया लेकर खेत
तो नुकसान जो होता हुआ तो बीघा का 10-20 हजार दिया ला। अच्छा, साल में? साल में वो पैसा से मतलब नहीं बा, फिर साल बीती फिर साल वही तारीख के दिया ही। तो पूरा मेहनत मतलब उसे ना तार हो चाहे मौत हो, घाटा तो हार है ना उनका, तो 10 हजार मिल गया 20 हजार बीघा का, तो वो तो फायदे में हो जाए। तो वहाँ लगा लगा जोताई दू बीया नहीं बू खाद नहीं बू तब न हो बीया देखा 200 रुपया किलो का पड़ा ला। 200 रुपया किलो का कितने बीज लगे होंगे? 2.5 किलो लगल, 2.5 किलो 3 किलो मान के। इसके देख रेख कितने महीने करने पड़ेंगे? एक महीने में तैयार हो जाएगा? हाँ, एक महीना पूरे 6 महीने तक चलेगा? हाँ, 4-5 महीना चलिए, 5 महीना बरसात से बचने तो। अच्छा, किसान परेशान है तो कहीं प्रधान परेशान कर ले हैं तो कभी खेती भाई भगवान का बात तो हाँ देना तो देना ले लू नहीं तो गल तो गल। वो तो भगवान को बड़ा परिश्रम करबू, अगर महिमा भाव नहीं बचा दिल तो बढ़िया बा, ना बचे तो वो बेकार बा। इस समय जो धान के लिए सबसे अच्छी बारिश है? हाँ, धान तो धान की दिक्कत नहीं बा, बाकी चीजों के लिए नहीं। पैसा 20 हजार दे दिलू ना तो मन कोईरार करबू तब तो ना देबू, धान में का देबू, कितना धान हो तो मैं धान में देबू। यह कुछ बात जोड़बू तो मजूरी ना निकली, मजूरी भी नहीं निकली, 4 जने 5 जने 6 लोग पूरा परिवार लेके करल जाला, का निकली कुछ नहीं निकली। ये सब लगा हमको लड़की लड़का इससे ऊपर ना भाग पाग बनना, पढ़ाई लिखाई बा कि सब बात पढ़ा दे ना। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे किसान भाई अपनी खेती तो कर रहे हैं, जिस तरह से बारिश हो रही है, जो रुक रुक के हो रही है, सुबह हो रही तो शाम पूरा दिन नहीं हो रही है, लेकिन इस समय की जो बारिश है सिर्फ धान की खेती के लिए फायदेमंद है, बाकी सब्जियों के लिए काफी नुकसान है। इस समय का जो पालक लगाए हैं किसान, जो कि लगभग 2500 साल से पालक की खेती करते हैं, वो हर साल अगर ज्यादा पानी पड़ता है तो डूब जाता है, खराब है। और यही खासियत इस पालक में है कि एक बार लगाने पे 6 महीने तक वो लगातार तैयार होता रहता है। तो आज के जो मौसम है के हिसाब से जो बारिश हो रही है वो सिर्फ धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। किसानों का ये भी आरोप है कि जिस तरह से यूपी गौशाला के नाम से मुख्यमंत्री ने जो योजना निकाली थी हर ग्राम पंचायत, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक भी गौशाला नहीं है, जो कि इधर के हजारों ऐसे किसान है कि जो कि 10-20 साल 1-2 बीघा लेकर के काम करते हैं, जाली लगाते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन वो भी नहीं बच पाता है। तो जिस तरह से सरकार ने लगातार योजना तो निकाल ली है, लेकिन क्या फायदा जब जनता को ही नहीं मिल रहा है, इस पे नजर देना चाहिए ताकि जो किसान भाई के लिए योजना बन रही है, जो उन्हें बचाव के लिए यूपी गौशाले हैं, उसका देख रेख हो रहा है कि नहीं। ये तो शुरू हुआ लगभग 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक कई ऐसे ग्राम पंचायत बने हैं जहां पे आज भी छुट्टा किसान से जो है कि छुट्टे पशुओं से किसान लगातार परेशान है। अब देखना है इस योजनाओं को कहां तक सफल मिलता है, या फिर इसी तरह से किसान परेशान होते हैं। जिस तरह से सरकार ने योजनाओं तो हजार है मगर काम की एक भी नहीं, वही है जमीनी हकीकत।